रामनगर कापर टाइगर रिजर्व के विजरानी रेंज में जंगल में गश्त कर रहे वन कर्मियों पर बाघ ने हमला बोल दिया, जिसमें एक वनकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। वनकर्मी द्वारा हवाई फायरिंग करने पर किसी तरह से वनकर्मियों को बाघ के चुंगल से छुड़ा लिया गया। घायल वनकर्मी को रामनगर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स ने वनकर्मी वन दरोगा नवीन पन्ने ने नेतृत्व में विजरानी रेंज में गश्त कर रहे थे, तभी फूलताल में एक पास घातक लगाए एक बाघ ने वनकर्मियों की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें बाघ ने वनकर्मी गोपाल सिंह अधिकारी उम्र 58 साल को दबोच लिया। इसमें अन्य वनकर्मियों ने हवाई फायरिंग कर किसी तरह से गोपाल को बाघ के चुंगल से छुड़ा लिया और घायल गोपाल को रामनगर के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। नवीन चंद पपने वन दरोगा की अगुवाई में एक टीम आज कंपार्टमेंट नंबर 8 चोरपा फूलताल ब्लॉक चोरपानी बीट में गश्त के लिए गए थे। टोटल टीम में 7 सदस्य थे। अचानक ही एक टाइगर्स ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें अधिकारी जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उपचार के लिए ब्रजेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है।